आज तारीख हो चुकी है 4 सितंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, आज होने वाले मुकाबले को लेकर। दरअसल आज यहाँ पर एशिया कप में भारत और नेपाल के बीच काफी इंपोर्टेंट मुकाबला होगा, जहाँ पर दोनों टीमों के लिए डू ऑर डाई मुकाबला, स्पेशली नेपाल के लिए। तो ये डू ऑर डाई मुकाबला, नेपाल की टीम मुकाबला हारेगी तो यहाँ पर सुपर फोर की रेस से कंप्लीटली बाहर हो जाएगी। भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीतती या फिर बारिश से अगर ये मुकाबला रद्द भी हो जाता है, तो भी भारतीय टीम यहाँ पर सुपर फोर में क्वालिफाई हो जाएगी। तो भारतीय टीम के लिए तो काफी इजी है मुकाबला। हालांकि नेपाल की टीम तो टूर्नामेंट से पहले यहां पर बाहर जाती हुई लग रही थी। हालांकि इस मुकाबले में आज बारिश होने के काफी अधिक चांसेस है। शाम 5 बजे तक 90% बारिश के चांस है। तो आज के मुकाबले में भी लगातार बारिश होगी। ना सिर्फ आज के मुकाबले में बल्कि एशिया कप में हमें यहां पर आखिर तक लगातार बारिश देखने को मिलेगी। इस वजह से यहां पर एशिया क्रिकेट काउंसिल श्रीलंका की यहां पर कुछ वेन्यूज में बदलाव करने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर यहां पर श्रीलंका में यहां पर एशिया कप कराने का एशिया क्रिकेट काउंसिल का और यहाँ पर आखिर बीसीसीआई का सही फैसला था या फिर नहीं। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले। एशिया कप के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, कोई भी खबर होगी तो आपको वहां पर सबसे पहले जानने को मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है जसप्रीत बुमराह की तरफ से। दरअसल जसप्रीत बुमराह यहाँ पर अब कल यहाँ पर भारत आ चुके, जहाँ पर कल कोलंबो से ये मुंबई की फ्लाइट लेकर भारत आ चुके, जहाँ पर एक्सपेक्टेड ये कि ये फादर बनने वाले। इस वजह से ये यहाँ पर भारत आए लगभग 2-3 दिन बाद ये वापस यहाँ पर श्रीलंका लौट जाएंगे। लगभग 3 दिनों के बाद ये श्रीलंका लौट जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब 3 दिन यहाँ पर भारतीय टीम के लिए ये उपलब्ध नहीं रहेंगे। भारतीय टीम को केवल एक मुकाबला बुमराह के बिना खेलना होगा। शायद यहाँ पर आज के दिन अब मोहम्मद शमी इनके जगह खेलते हुए दिखे। इसके बाद यहाँ पर भारतीय टीम का लगभग 7 दिन बाद अगला मुकाबला होगा, तब तक यहाँ पर शायद यहाँ पर बुमराह अवेलेबल हो जाए। तो कुल मिलाकर आज बुमराह भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग बुमराह की जगह आखिर शमी को खिलाने वाला सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई की टीम अंबाती रायडू की यहाँ पर रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। सिलसिले में ये टीम काफी सारे खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रही है। हमने देखा कि 4 से 5 खिलाड़ियों से ये टीम बातचीत कर चुकी है। इस सिलसिले में अब राहुल त्रिपाठी से भी ये टीम बातचीत कर रही है। हालांकि राहुल त्रिपाठी को हैदराबाद की टीम रिलीज करे और त्रिपाठी भी इस टीम से रिलीज होना चाह रहे, तो राहुल त्रिपाठी तो वैसे भी ऑप्शन में आएंगे और ऑप्शन से पहले ये ट्रेड भी हो सकता है। तो चेन्नई की टीम इसी वजह से इनके साथ बातचीत कर रही है। तो राहुल त्रिपाठी हो सकता है जिस प्रकार से 2016-17 में ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में धोनी की कप्तानी में खेले, तो उस प्रकार से अब चेन्नई में लगभग 6-7 साल बाद ये दोबारा से अब एमएस धोनी की कप्तानी में खेलते हुए दिखे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप राहुल त्रिपाठी को क्या चेन्नई में देखना चाहोगे या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है एशिया कप में भारत पाकिस्तान के दूसरे मुकाबले को लेकर। दरअसल भारत पाकिस्तान का पहला मुकाबला यहां पर बारिश की वजह से रद्द हो गया था। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया था, स्पेशली टॉप ऑर्डर ने यहां पर निराश किया था। लेकिन भारत पाकिस्तान का अभी एक और हमें मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर एशिया कप में अब सुपर फोर में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और यहां पर 10 सितंबर को यानी अब संडे के दिन, अगले संडे के दिन भारत और पाकिस्तान का हमें मुकाबला देखने को मिलेगा। 10 सितंबर को यहां पर शाम 3 बजे कोलंबो में मुकाबला होगा। हालांकि यहां पर कोलंबो से वेन्यू बदलने की यहां पर करंटली एशिया क्रिकेट काउंसिल प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि कोलंबो में यहां पर बाढ़ आ चुकी है। लगातार कोलंबो में काफी अधिक बारिश हो रही है, तो कोलंबो से वेन्यू चेंज किया जा सकता है। लेकिन 10 सितंबर को अब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना पूरी तरीके से कंफर्म्ड है। वैसे आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर फटाफट ज्वाइन कर ले, ताकि आपको मुकाबले के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट होगी तो वहां पर हम सबसे पहले अपडेट कर देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर टेलीग्राम चैनल को आप मस्ट ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर। दरअसल टीम इंडिया का यहां पर वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनलाइज हो चुका है, जहां पर बीसीसीआई ने कल के दिन वर्ल्ड कप स्क्वाड यहां पर सेलेक्ट कर लिया। और अब यहां पर कल के दिन 5 तारीख को अब ये स्क्वाड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। दरअसल 3 तारीख को यानी कल के दिन बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के साथ बातचीत करके स्क्वाड तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड रहेगा। इनमें नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा का, इसके साथ ही नाम आता है शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन, इसके साथ ही हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, कुल मिलाकर ये खिलाड़ी अब यहाँ पर भारतीय टीम के लिए यहाँ पर वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए। और अब यहाँ पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल
दोपहर 10-11 बजे हमें देखने को मिल जाएगी या फिर मोस्ट लाइकली 12 बजे तक हमें देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया का अब वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ चुका है, यही 15 खिलाड़ी हमें यहाँ पर इस साल वर्ल्ड कप में अब खेलते हुए देखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस स्क्वाड से आखिर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है केएल राहुल की तरफ से। दरअसल केएल राहुल यहाँ पर आज शाम को अब श्रीलंका पहुंच जाएंगे, जहां पर अपने यहाँ पर फिटनेस टेस्ट ये क्लियर कर चुके और आज शाम को श्रीलंका पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही 10 तारीख को होने वाले मुकाबले में यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और यहाँ पर गौतम गंभीर ने केएल राहुल की अवेलेबिलिटी पर सवाल उठाया। गौतम गंभीर ने कहा केएल राहुल भले ही 10 तारीख को अवेलेबल हो लेकिन ईशान किशन को यहाँ पर मौके मिलने चाहिए, क्योंकि ईशान किशन ने इंपॉर्टेंट टाइम पे यहाँ पर अच्छी पारी खेली और केएल राहुल लंबे समय बाद इंजरी से यहाँ पर आ रहे, तो डायरेक्टली इनको आते ही मुकाबला देना यहाँ पर काफी गलत रहेगा, स्पेशली ईशान किशन के लिए गलत रहेगा जिन्होंने पिछले 4 वनडे मुकाबलों में 4 अर्धशतक लगाए और पिछले 1 साल में दोहरा शतक भी बांग्लादेश में जाकर लगाया। तो कुल मिलाकर केएल राहुल को यहाँ पर वेट करना होगा, केएल राहुल को गंभीर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेट करना होगा, उनको यहाँ पर डगआउट में वेट करना होगा। आप कमेंट करके बताइए आप गंभीर की बात से आखिर एग्री करते हो या फिर नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या ईशान किशन के साथ टीम इंडिया को कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल जिस प्रकार की मुंबई इंडियंस की आईपीएल में जर्सी, उस प्रकार की यहाँ पर यूपी प्रीमियर लीग में मेरठ ने जर्सी यहाँ पर कॉपी करी है, जहाँ पर मेरठ के लिए रिंकू सिंह यूपी प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। करंटली यूपी प्रीमियर लीग यहाँ पर चल रही है, इस दौरान अब मुंबई जैसी जर्सी यहाँ पर मेरठ ने कॉपी करी। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर जर्सी देख पाओगे, जिस प्रकार की ब्लू और गोल्ड यहाँ पर कॉम्बिनेशन की मुंबई की जर्सी होती है उसी प्रकार की सेम यहाँ पर मेरठ की जर्सी है। तो कुल मिलाकर मुंबई जैसी जर्सी यहाँ पर मेरठ यूपी प्रीमियर लीग में पहनकर यहाँ पर मुकाबले खेल रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आते होते गौतम गंभीर की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर विराट कोहली यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तस्वीर देख पा रहे, इस तस्वीर पर यहाँ पर गौतम गंभीर कुछ नहीं है। गंभीर ने यह कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर इस प्रकार से फ्रेंडशिप दिखाना ये गलत है। गौतम गंभीर ने विराट कोहली पर सवाल उठाया, जहाँ पर विराट कोहली ने आईपीएल के दौरान इंडियन खिलाड़ियों से यहाँ पर लड़ाइयाँ करी, जहाँ पर इससे पहले सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे और भी इंडियन खिलाड़ियों से लड़ाइयाँ करी है। तो इस पर गंभीर ने यह कहा है कि यहाँ पर विराट कोहली आईपीएल में एग्रेशन दिखाता है, जबकि जब पाकिस्तान की टीम है जिनके खिलाफ विराट कोहली को एग्रेशन दिखाना चाहिए वहाँ पर एग्रेशन नहीं दिखा रहे बल्कि उनके साथ फ्रेंडशिप निभा रहे, तो इससे यहाँ पर गंभीर कुछ नहीं। गंभीर ने कहा कि विराट कोहली को ये अपनी अप्रोच अगले मुकाबले से पहले बदलनी होगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच यहाँ पर विराट कोहली को अपनी अप्रोच बदलनी होगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।